सेटअप का काम इतना ही हुआ है, लिंटर डालना कंप्लीट हुआ है। अभी मैं यहाँ पर पानी डालने वाला हूँ दोस्तों, और हमारा जो टर्की है ना यहाँ पर ये लोग घूम रहे हैं, तो अभी दोस्तों पानी आएगा। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज ना बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं दोस्तों गुवाहाटी जाने वाला हूँ एंड बहुत सारे फिशेज लाएंगे एक्वेरियम के लिए, ठीक है। तो ये जो फिश देख रहे हैं ना, यहाँ पर है दोस्तों रूपचंदा, तो इनको निकाल के हमारा जो बड़ा सा तालाब है वहाँ पर डालना होगा। और इस टैंक का जो फिश है ना दोस्तों, देखिए परसों में इस टैंक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिश रखा था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे फिश है दोस्तों, इनको ना निकाल के हमारा जो बड़ा सा तालाब है वहाँ पर रखना होगा। जो नए फिश आएंगे ना सभी को इसके अंदर रखना होगा। तो कौन सा फिश लाऊंगा वो तो सीक्रेट है दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि मैं कौन सा फिश लाया, ठीक है। और भी काफी सारे चीजें मैं लाऊंगा, जस्ट यही बताने के लिए दोस्तों मैं ये ब्लॉग शूट किया। एक छोटा सा ब्लॉग होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। टर्टल्स का जो टैंक है ना दोस्तों काफी गंदा हो चुका है, देखिए ऐसा हालात है। तो यहाँ से मैं हमारे जो टर्टल्स है उनको निकाल के धूप में रखा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ना टर्टल्स वगैरह है। अरे ये कब बाहर निकला, ये देखिए हमारे जो खरगोश के बच्चे हैं ना ये बाहर निकाल गया। अरे अरे इसको पकड़ नहीं पाया दोस्तों, तो इनको ना फिर से नया वाटर में रखना होगा। दोस्तों यहाँ का जो मोली फिश है ना दोस्तों वो काफ़ी एक्टिव है यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये लोग ना काफ़ी तेज भागते हैं। और इनके लिए दोस्तों एक बड़ा सा बाउल आज आएगा, मैं फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किया था एक बड़ा सा 12 लीटर का इस तरह का बाउल, ठीक है। वो काफ़ी बड़ा होने वाला है दोस्तों, और वहाँ पर ना ये मोली फिश के फ्राइज इन फ्राइज को एक साथ रखेंगे। ये वाला आइडिया कैसा रहेगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों यहाँ से ना इन फिश को निकालते हैं, और एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, वो है दोस्तों हमारा जो बेटा फिश है, मेल बेटा फिश ना, उसके लिए एक फीमेल भी लाएंगे। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार, पता नहीं हमारा मेल बेटा फिश कितना खुश होगा। दोस्तों मेरे पास यही टूटा फूटा एक नेट है, इसके जरिए ही पकड़ना होगा, तो हम यहाँ से पकड़ना शुरू करते है। आ जाओ भाई। यार इनको बड़ा सा तालाब में रखेंगे या हमारा जो छोटा सा पुल है उसके अंदर रखेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं एंड उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर रखते हैं गाइस। यार रुको 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 रुको, इनका साइज देखिए दोस्तों बड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर रखते हैं। तो इतना ही फिश एक्वेरियम में था, इनका साइज देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया था। तो चलिए हमारा पूल के अंदर इनको रखते हैं। ये देखिए सबको मैं यहाँ पर रिलीज कर दिया दोस्तों, हमारे डक्स को यहाँ पर बंद करके रखा गया है। एक्चुअली सेटअप का काम चल रहा है, ये लोग ना काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं यार, इसलिए इनको बंद करके यहाँ पर रखा गया है। इवनिंग के समय इनको थोड़ा समय के लिए रिलीज किया जाएगा। गाय को दोस्तों पानी पिलाना हो गया, और देखिए ये चाट रहे, इसको निकालना होगा यहाँ से। रुको रुको रुको, हमारा दोनों बछड़ा और बछड़ी पानी पी लिया। ये देखिए यहाँ पर पानी दिया गया था, तो इसको यहाँ से निकालना होगा। निकालना दो यार, ये दोनों दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गए हैं देखिए आप लोग, है ना। और रिसेंटली इनके लिए ये बेड बनाया गया है, देखिए कंक्रीट का है, ठीक है। इसका दोस्तों कान है ना कितना लंबा लंबा है, और ये देखिए है ना बहुत ही लंबा है, और इसका भी कान लंबा है, बट इसके जैसा नहीं है, ये अलग ब्रीड का है, ये अलग ब्रीड का है, शायद घीर होगा, ठीक है। कितना लंबा है और रुको 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 दोस्तों, इतने सारे सामान मैं अपने पेट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए ये सब फीडर का है, ठीक है, वाटर फीडर है, फीडर है, पेट्स वगैरह, ये मैं एक्चुअली रैबिट्स एंड गिनी पिग्स के लिए यूज़ करता हूँ। और ये है बर्ड्स का, देखिए ठीक है, इसके अंदर इनके अंदर ना फीड दिया जाता है। और ये है फीडर जो बटर के लिए यूज़ किया जाता है। और देखिए फिल्टर, ये वाला फिल्टर जो है ना ये मैं अभी यूज़ नहीं करता हूँ, आई मीन ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो सभी चीज़ों को रश्मि ने वॉश करके यहाँ पर रखा, धूप में सुखाने के लिए रखा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है रैबिट ने, रैबिट दोस्तों बाहर था, ठीक है, केस के बाहर था, और रैबिट अभी बटर के केस का अंदर है। जितना भी फीड दिया था सबको गिरा दिया, थोड़ा कुछ खाया है,
और नीचे जो ग्रह नष्ट हो वो हमारा गिनी फॉल खा रही है। देखिए खा रहे ना ये यार, रैबिट्स इतना बदमाश हो गए क्या ये बताओ। हम लोग को, मैं आप लोगों को फार्म के अंदर जाके दिखाता हूँ दोस्तों। ये बेचारा ग्रास खाते हैं, ठीक है, ये बाहर नहीं निकालते हैं, पर ये दोनों काफी ज्यादा बाहर निकालते हैं यार। और फिर यहाँ से दोस्तों ये देखिए जगह ही नहीं है, यहाँ से ना ये लोग इस केस के अंदर आ जाते हैं और बटर का जो फीड है वो खाते हैं। हमारा जो रैबिट्स है ना, बटर का जो फूड है वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए रैबिट्स को यहाँ से निकालते हैं। ये वाला जो रैबिट है ना ये प्रेग्नेंट है। अभी दोस्तों फार्म को क्लीन किया जाएगा, वहां पर रश्मि शुरू किया है क्लीन करना, ठीक है। मैं इस केस से रैबिट्स को निकालता हूँ। इसको तो पकड़ लिया, नीचे उतरो। नहीं, ये आ गया है दोस्तों फीमेल, इसके पेट में काफी सारे बच्चे हैं यार। ठीक है, इन फीड को मैं फिर से उठा के इसके अंदर रखता हूँ। और ये जो फीडर है ना ये मैं गिनी फॉल के लिए यहाँ पर रखता हूँ, देखते हैं ये लोग यहाँ आके खाते हैं या नहीं। आ जाओ। देखिए हमारा गिनी फॉल आ रहे, क्या बात है, खा लो। बाकी सब आ रहे धीरे। हाँ आ जाओ। बहुत अच्छे ये लोग ना, तो बाहर निकलने के लिए काफी बेचैन हो गए हैं। गिनी फॉल को बाहर छोड़ने से ना वो लोग एक्चुअली जंगल में चला जाएगा, इसलिए मैं उनको रिलीज नहीं कर रहा हूँ। देखिए इतने सारे कचरा जमा हुआ और हमारा जो केस है क्लीन हो चुका है ना। अरे क्या यार, रैबिट ने फिर से गिरा दिया। दोस्तों हमारा मिठू यहाँ पर है, ये देखिए मिठू। अरे टारकी को नहीं बुलाया, टारकी आवाज़ कर रहे, मिठू आ जाओ नीचे उतरो, आ जाओ। ये आ गया दोस्तों हमारा मिठू बोलो मिठो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, हमारा होने वाला सेटअप के लिए ना मैं 4 ज़ेब्रा फेंस लाया, यहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए कितना क्यूट है, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, है ना, बहुत ही क्यूट है यार। और इनका जो आवाज है ना दोस्तों वो काफी मस्त आवाज है, काफी अच्छे अच्छे आवाज निकालते हैं। एंड कंगी भी यहाँ पर है, देखिए बहुत सारे खाया है यार। ये देखिए मैं आप लोग को एक को पकड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर ना दोस्तों दो पैर है, दो मेल है दो फीमेल है। रुको। अरे यार काफी तेज भागते हैं ये लोग। रुको, आजा। भाई रुको। ये देखिए दोस्तों एक को मैं पकड़ लिया, सच में यार बहुत ही क्यूट है एंड बहुत ही छोटे परिंदे है ये। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना दोस्तों। तो चलिए इनको घर के अंदर रखते हैं, एक्चुअली इनको ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर इस लाइट को सेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ। अब चलिए इनको यहाँ पर रखते हैं। जाओ, ये ऑन हो गया है और इनको खाना डालते हैं। टर्टल्स का जो फूड है ना तो वो इसके अंदर है। ये देखिए खाओ। दोस्तों यही था आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया है, पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इस चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।